इस लड़की ने देखा कि उसकी जीभ काफी लंबी हो गई है। सबसे अजीब बात यह है कि इस लड़की के मुंह से किसी ऑक्टोपस की तरह काला तरल निकल रहा है। अब डरी हुई सबरीना फौरन अपने इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर इसे एक मेज पर लेटाकर किसी तरह का टेस्ट करने लगता है। टेस्ट के परिणाम देखकर डॉक्टर बिल्कुल चौंक जाता है। ये सबरीना को बताता है कि उसके पेट के अंदर एक बड़ा ऑक्टोपस है। डॉक्टर की बात सुनकर सबरीना उन्हें उस ऑक्टोपस को तुरंत निकालने के लिए कहती है। अब डॉक्टर जैसे ही सबरीना का पेट काटने वाला होता है कि तभी पेट के अंदर वो ऑक्टोपस बार बार अपनी जगह बदल लेता है। इससे डॉक्टर को ऑपरेशन करने में काफी समस्या होती है। अब क्योंकि सबरीना के शरीर में ऑक्टोपस है, इसलिए इसे दिन में काफी लीटर पानी पीना पड़ता है। सबरीना को बार बार पानी पीते देख डॉक्टर को अचानक एक सुझाव आता है। ये सबरीना से कहता है कि अगर तुम्हारे शरीर में पानी नहीं होगा तो ऑक्टोपस को मजबूरन तुम्हारे शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब सबरीना के शरीर से सारा पानी निकालने के लिए डॉक्टर अपने एक जादूगर दोस्त को बुलाता है। ये जादूगर सबरीना के शरीर का सारा पानी अपने जादू से एक मछली के टैंक में निकाल लेता है, जिससे होता यह है कि शरीर में पानी न होने के कारण ऑक्टोपस फौरन सबरीना के मुंह के रास्ते बाहर निकल आता है।